सामना लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशफाक अली। देखते हैं आज की खास खबर। नौगांव में भक्तों ने नम आंखों से दी बप्पा को विदाई, धसान नदी तट पर किया विसर्जन। नौगांव गणपति बप्पा मोरिया, अगले वर्ष तू जल्दी आके जय घोष के साथ गणेश उत्सव का समापन हर्षोल्लास के साथ किया गया। घर घर, प्रतिष्ठानों और पंडालों में विराजे बप्पा की पूजन प्रार्थना कर विधि विधान के साथ पंडालों में से उठाया गया। चल समारोह के साथ धसान नदी तट पर उनका विसर्जन किया गया। 10 दिनों तक प्रतिदिन बप्पा की आराधना एवं पूजन का दौर चला और अनंत चतुर्थी के अवसर पर बप्पा के विसर्जन के साथ ही गणेश चतुर्थी महोत्सव संपन्न हो गया। नगर के पंडालों में भव्य प्रतिमा का हवन पूजन के साथ एवं महाप्रसादी वितरण करने के बाद दोपहर 3 बजे के बाद नगर में चल समारोह निकले। चल समारोह में महिलाएं, युवा एवं बच्चे बप्पा के भजनों पर रंग गुलाल उड़ाते, नाचते गाते चलते रहे। भक्ति चल समारोह डीजे बैंड बाजे ताशे के साथ पूरा नगर भ्रमण करते हुए गर्रौली धसान नदी तक पर पहुंचे। यहां पर प्रशासन ने अच्छी व्यवस्थाएं की हुई थी। सुरक्षा की दृष्टि से सभी प्रतिमाओं को नदी किनारे ही एकत्रित किया गया था। उत्तम राजपूत की खास रिपोर्ट। और हमारे नवाब पुलिस लगी हुई है, साथ ही साथ यहाँ पे गोताखोरों की व्यवस्था की गई है। लाइफ जैकेट आप पहले देख सकते हैं कि लाइफ जैकेट भी ये लोग अवेलेबल है और टीम हमारी लगी हुई है जो तैरने के एक्सपर्ट है और लगातार हम लोग काम कर रहे हैं कि विसर्जन होते रहे। लगभग कुछ नहीं तो अभी 7 सितंबर गणेश जी का विसर्जन हो चुका है, लगातार चलेगा। सर, पहली बार देखने को मिल रहा है इसका ड्रोन कैमरे का उपयोग प्रशासन कर रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ड्रोन कैमरे का मुख्य उद्देश्य में भी आ रहा है देने के लिए किस प्रकार विसर्जित की जाए। देखिए, आप गोताखोर लगा रखे हैं, गोताखोर जो है मूर्तियाँ उनके हाथों से लेके वो विसर्जित करने स्वयं जा रहे हैं, जिससे किसी भी तरह की आशंका या दुर्घटना ना घट सके। सर, पहली बार सर देखने को मिल रहा है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि 2 साल पहले यहाँ पर ही एक लड़का एक्सपायर हो गया था, तो क्या हुआ था? ड्रोन कैमरे से कितनी निगरानी रखी जा रही है, क्या लाभ मिल रहा है? सही बात है कि इस बार ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो है यह ड्रोन कैमरा रखा गया, साथ ही इसके अलावा हमने वीडियो कैमरा भी साथ में रखा है, जिससे जो है किसी प्रकार की बदमाशी, किसी प्रकार की शैतानी या किसी प्रकार की दुर्घटना घटती है तो उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। बैरिकेड के बाहर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। सही है कि विसर्जन में जो बैरिकेड कर दिया गया है उसके इस पार जो है केवल गोताखोर रहेंगे और तैराक। थैंक यू सर। होंगे यहाँ पे ड्रोन कैमरा, एम्बुलेंस और पुलिस के जो है जगह जगह पॉइंट, चाहे वो धसान नदी के इधर घाट पे हो या फिर रोड पे मार्केट में हो, 3-4 जगह हमने पॉइंट लगाए हैं ताकि जो गणेश विसर्जन करने वाले जो श्रद्धालु हैं वो सुचारू रूप से यहाँ तक आ सके और यहाँ पर आकर जो है उनके लिए देखिए आप रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हमने की है, जिससे उनकी संख्या जो है निर्धारित की जा सके और उसके साथ ही वो सुरक्षित रूप से जो है गणेश प्रतिमा विसर्जित कर दें। इसके लिए हम लोगों ने गोताखोर भी रखे हुए हैं जो उनसे मूर्ति जो है लेकर और एक बैरिकेड पार ना करते हुए वो जो गोताखोर है वो विसर्जित कर सके, जिससे गणेश जी विसर्जित कर सके, जिससे कोई दुर्घटना ना घट सके। सर, कितनी गोताखोरों की कितनी टीमें लगी हैं? कितने सदस्य हैं? अभी करीबन जो है 8 लड़के हुए हैं जो टीमों के रूप में काम कर रहे हैं, जो यहाँ के लोकल गोताखोर हैं। इसके अलावा जो है हमारे होमगार्ड के जो लोग हैं, जो SDRF के सदस्य भी हैं, SDRF की टीम कह सकते हैं उनको, वो भी जो है लगे हुए हैं, जिसमें 5 लोग हैं। साथ ही यहाँ जो आसपास के गाँव के जो सरपंच हैं वो लोग भी यहाँ मौजूद हैं। सर, जैसे कोई कई लोग जो प्रतिमा विसर्जित करने के लिए आते हैं, बैरिकेड से जाने का प्रयास कर रहे हैं, सर उनको कैसे रोका जाएगा? उनको समझाई दी जा रही है कि पानी बहुत गहरा है और वहाँ पे जान को जान का जोखिम हो सकता है, इसलिए जो है गोताखोरों की मदद से ही विसर्जन कराया जा रहा है। दशान घाट पर सर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन चल रहा है सुबह से लगातार, सर कितनी प्रतिमाएं विसर्जित हो गई? सर, प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं? सर देखो, प्रशासन और पुलिस ने मिलकर हमने लगातार काम किया है और
एम्बुलेंस और आपकी लाइट की व्यवस्थाएं और गोताखोरों की व्यवस्थाएं यहाँ पे लगी हुई है। साथ ही साथ श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर लगातार पॉइंट टू पॉइंट ड्यूटी लगी हुई है और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से और अच्छे तरीके से विसर्जन यहाँ पे हो। लगभग 60-70 गणेश मूर्तियों का विसर्जन यहाँ पे हो चुका है और लगातार विसर्जित हो रही है और देर शाम और रात का विसर्जन होगा। सर रात को कर क्या व्यवस्था रखी रहेगी? सर रात में लाइट्स की व्यवस्था रहेगी, हमारी टीम यहाँ लगी हुई है, हमारे थाना प्रभारी, मैं स्वयं यहाँ उपस्थित हूँ और हम लोग लगातार यहाँ। सर पहली बार सर देखने को मिल रहा है कि ड्रोन कैमरे से प्रशासन निगरानी रख रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सर ड्रोन का कैमरा लगाने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि लगातार क्षेत्र की वीडियोग्राफी होते रहे ताकि बाद में हम लोग इसको और भी बारीकी से ऑब्जर्वेशन कर पाए कि हम किन बिंदुओं पे काम कर सकते हैं, इसलिए इसका उद्देश्य। इस बार एम्बुलेंस भी देखने को मिल रही, पानी के भी टैंकर में से, जब प्रशासन की इस बार कहें कि उत्तम व्यवस्था रही है। उत्तम व्यवस्था है, पूरी तरह से अलर्ट है, हम चाहते हैं कि अच्छे तरीके से सारा विसर्जन है। कोई भी शरारती तक किसी भी कारणवश सर लास्ट ईयर भी सर दो तीन लोग नदी में सर गणेश प्रतिमाएं विसर्जित करते हुए देखे, उनके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी बाद में? बैरिकेड्स की पर्याप्त व्यवस्था है, अगर ऐसा कोई कदम उठाता है तो जो उचित वैधानिक कार्रवाई होगी हम करेंगे। कुमार चतुर्वेदी। कितने होमगार्ड कितने जवान तैनात है दशा नदी के आज विसर्जन में? विसर्जन में 2 जने विसर्जन। कौन कौन? वीरेंद्र कुमार चतुर्वेदी और चंद्रभान मोरी। क्या व्यवस्था है आप लोगों? सर हम लोग यहाँ लगे हुए हैं, कोई घाट पे कोई अंदर पानी में नहीं जा सकते। कितनी गोताखोरों की टीम, ग्रामीण की कितनी गोताखोरों की टीम यहाँ पर मौजूद है? यहाँ 8 लोग की है सर। तो अगर कहीं और जरूरत पड़ती तो आप लोग क्या व्यवस्था करने के लिए? जी सर हम छतरपुर से बुलवा सकते हैं सर। डी आर सी क्या व्यवस्था करेंगे यहाँ पे तत्काल? अभी तत्काल में सर हम लोग स्वयं है सर, 8 लोग हमारे गाँव लोग यहाँ गर्रोली के लगे मिलकर गणेश प्रतिमा विसर्जित कर रहे हैं। जी सर।